दोस्तों लाल वाला फूल है, ये जंगल में अक्सर मिला करता है। लाल बोलते हैं इसको, जामुनी कलर बोलते हैं। जामुनी कलर ये फूल खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसको बोलते हैं पता नहीं क्या फूल बोलते हैं। ओ तो दोस्तों जिलहुर फूल, झारखंड का लोग तो जानते ही होंगे, जिलहुर फूल है ये, खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को फिर से नए वीडियो में। उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जानते होंगे जिलहुर फूल और नहीं भी जानते हैं, तो इसको हम लोग अलग तरीका का बनाएंगे और अलग ही मॉडल का। तो चलिए चलते हैं। तो अंडा रख लिया है करीना, तो इसके साथ हम लोग करेंगे अंडा मिक्स। तो चले चलिए। नमस्कार दोस्तों, तो इसका बनाने शुरू करते हैं हम लोग। इसको अभी उबालना पड़ेगा ना करीना। हाँ, दो फुलाती हूँ इसके बाद। तो धो के लेके लाई हूँ दोस्तों, अब उबाल देते हैं। तो दोस्तों इसका फल जो होता है खाने वाला नहीं होता है, खाली इसका फूल ही सब्जी में होता है और इसका फल बहुत लंबा लंबा चौड़ा होता है। चलिए अभी रखते हैं उबालने के लिए। दोस्तों अभी तक तो उबला नहीं है ये। तो दोस्तों ऐसा कुछ हो गया है, कलर तो उड़िया जाता है। चलिए निकालिए, कर दीजिए कर दीजिए, निकालिए। तो इसका पानी देखिए कितना गंदा गर्द होता है वो, है ना। ऐसा बनाते तो करें ना अच्छा नहीं लगता। आप लोग सोच रहे हैं क्या बनेगा, देखते रहिए दोस्तों, अभी कुछ अलग बनेगा, अलग बनेगा। पहले टमाटर गल जाएगा, उसके बाद डालेंगे मसाला सब। तो दोस्तों चले गल चुका है ना। हाँ, हर दिन मसाला सब डालिए आप, खास लीजिए इधर उधर घुमा घुमा के। हाँ ठीक है, नजारा है। नमक तो डाले हैं, भिंडी जैसे डाले हैं कि नहीं। अंडे किसी ने नहीं बनाए होंगे ना, पता नहीं, हम लोग तो नहीं बनाए, आज ही बना रहे हम लोग। चलिए अब चलाने की बारी। हर कोड़ा दीजिए। तो दोस्तों ये ढंग से भुंजा चुका है, कर देता हूँ बंद, करना धो रहे बर्तन, उसके बाद में खाएंगे इसको। तो दोस्तों सब कुछ भुर्जी बन गया है, अक्सर इसका करी बनता है और टेस्टी लगता है ना करना। हाँ, पर हम लोग ऐसा नहीं बनाए, हम लोग नहीं बनाए हैं, तो करे शुरू। आलू और इधर धनिया का चटनी।
बहुत टेस्टी लगा, पर मेरा थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया, चटनी तो अच्छा ही लगता है चाटने में, मेरा भी ज्यादा हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।